बाहर बारिश हो रही हो भले ही, लेकिन किरण बेदी जी का डोर टू डोर कैंपेन जो है वो चालू है। फिलहाल बातचीत करने के लिए किरण बेदी जी खुश हैं। मैम, यहाँ पर किस तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है? कल भी आप घूमी थी, आज भी घूम रही हैं। बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित। वो वेट कर रहे हैं कि कब उनकी जीत हो, क्योंकि वो अंदर से जीते हुए हैं। क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट है जिसमें उन्होंने सारी सारी 20 साल की सेवा की है। सड़कें एक एक जाके बनाई हैं, पार्क्स बनाए हैं, हॉस्पिटल दिए हैं, कम्युनिटी सेंटर्स दिए हैं, जबरदस्त काम किया उन्होंने। जब मैं यहाँ पे आई तो कई कार्यकर्ता जो थे वो कई तरह की उन्होंने परेशानी भी बताया। बकायदा मंदिर देख रहा था कि आप नोट कर रहे थे डायरी में, तो क्या उस चीज़ पर आगे आप ध्यान भी रखेंगे, फॉलो करेंगे, या आम नेताओं की तरह फिर चुनाव के बाद भूल जाएंगे? आने वाला टाइम बता देगा। अभी कुमार विश्वास ने एक ट्वीट किया है और कहा है कि किरण बेदी किराए की कप्तान है। वो क्या होता है मुझे नहीं मालूम, मुझे समझ भी नहीं आई। अच्छा, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज है, क्योंकि शांति भूषण कुछ तारीफ कर रहे हैं, इधर ये कह रहे हैं किराए कप्तान है, तो कहीं आप में ही कहीं ना कहीं वहाँ मालूम नहीं जो आप कह रहे हैं। मुझे सब मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो काम से मतलब है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में बैठी हूँ, काम करने आई हूँ, और बाकी दिल्ली में भी काम करूंगी। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ हैं। सर, कई जगह पे अभी प्रोटेस्ट हुए हैं, विरोध हुए हैं कई चीज़ों को लेकर, क्या लगता है इस सीट पर भी उसका असर पड़ेगा, या फिर ये सिर्फ बीजेपी यहाँ पर बहुत आराम से और केंद्र जी को उतना ही सपोर्ट मिलेगा जितना आपको मिलता रहा है यहाँ पर? नहीं, वो तो आप दो दिन से देख नहीं रहे हैं क्या? दो दिन से आपने कार्यकर्ताओं का और जनता का भी ऐतिहासिक, जिसे कहते हैं, उत्साह और समर्थन यहाँ पर देखा है। और मुझे लगता है कि मुझे बड़ी खुशी भी है इस बात में कि सारे कार्यकर्ता पूरे मन के साथ, हृदय के साथ, आत्मा के साथ लग गए हैं। ऐसा थोड़ी है कि हमारे क्षेत्र में जो है ऐसे कार्यकर्ता नहीं हैं जो कि एमएलए बन सकते हों, लेकिन उसके बावजूद भी सारे के सारे लोग जो एमएलए बन सकते हैं, जिनके मन में होगा कि शायद हम भी एमएलए कल बनेंगे, लेकिन पार्टी ने तय किया कि डॉक्टर किरण बेदी आएंगी, सारे के सारे उनके लिए लग गए हैं। यही हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारी पार्टी की विशेषता है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये डॉक्टर जी, हम गीता निवासी बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हमारे इलाके में किरण बेदी जी मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ पधारी हैं। हम बहुत बहुत उनके धन्यवादी हैं। हम बहुत ही खुशी, आप देख सकते हैं कि आम लोग हैं और तालियों की गड़गड़ाहट जो है वो सब कुछ कहने के लिए काफी है कि किरण जी को यहाँ से कितना सपोर्ट मिल रहा है। कैमरा पर्सन सुवीर के साथ बैद्यनाथ झा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।